नमस्कार, हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। मैडम जी, वो जो नहर वाली बात है ना, जो आपके सामने एक्शन साहब नरेश जो साहब ने जो ये उठा था कि अगले टर्न जो आओगा तो उसमें हमें इसकी छटाई भी और इसका पूरा पानी देंगे हम आपको। उन्होंने ये कहा था आपने पानी चाहिए और क्या चाहिए, जब हम थोड़े तेज से बोल रहे थे। तो मैडम जी आपसे रिक्वेस्ट है, ये आप वहाँ ही बाल में देख सकते हो, ट्रन चल पड़ा जी, कल चल पड़ा था। तो सिसाणा, तो सिसाणे से आगे तो टैल और भी है, सिसाणा में अगर इतना भी पानी हो तो आप हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दो जी, आज ही। अगर हम अपनी जगह पे सही हाँ तो वो जो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं ना जी, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए ताकि लोगों में थोड़ा विश्वास पैदा हो। अरे भाई, जो सरकार घोषणा करे है बार बार, भाई हमने ये कर दिया ये कर दिया, ये आदमी मतलब उसको उन चीजों को रोक रहे हैं जी। दूसरी बात ये बताऊंगा मैडम जी, एक दो मिनट और लगे जी, हमारा दर्द है जी बेहतर है, हम एक किसानी के ऊपर निर्भर हैं जी। और हमारे को जब उसने के हम उसका एक टैक्स भरते हैं कि बोल रहे हैं उगाई देते हैं जी उसकी, तो हमारे को बगैर सिंचाई करें उगाई आती है जी, महात्मा से कहता हूँ जी इस बात में। तो हमारे को वो चीज भी तो मिलनी चाहिए, एक दो आदमी की लापरवाही के कारण एक पांच सदगा में वो चीज नहीं आती तो हमारे काफी दर्द होता है जी। तो हम इसी के ऊपर निर्भर हाँ। मैडम जी आप एक अच्छी मतलब परमात्मा ने आपको ये दिया है तो हम चाहोगे आपसे कि भी हमारा न्याय पानी हो जी इसमें। मैम जी, एक सेकंड में और कहना चाहूंगा, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह इसी भूमि में भाई, जिस भूमि में हम खड़े हैं आप बैठी हो, चौधरी चरण सिंह ने एक बात कही, देखो राजाओं का कोई राजा तो इस देश का अन्नदाता किसान है, लेकिन हालात ये है मैम, जहाँ इस देश का अन्नदाता है अपने मतलब फसल को बचाने के लिए, SDM मैम के पास आने से पहले ही आगे हल्के के विधायक जयवीर वाल्मीकि से मैंने बात करी, भाई हम 10-15 किसान एक बार SDM मैम के पास जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो, हल्के का MLA हल्के का चीफ मिनिस्टर होता है मैम जी, तो जैसे आप यहाँ प्रथम अधिकारी हो, नुमाइंदा हल्के का जयवीर वाल्मीकि है, उसको मैसेज दिया है, वो कह रहा है रमेश भाई मेरी मीटिंग है, मैं चंडीगढ़ जाने लग रहा हूँ, मैं भाई SDM मैम के पास जा रही हूँ, मैं फोन करता हूँ और आप वहाँ जाइए। ये किसान, ये देखो मैम जी, हम सारे साथ हमें खेत में काम करना चाहिए मैम जी, उस टाइम हम दफ्तर चक्कर काटने लग रहे हैं मैम, अगर हमको ज्यादा करते ना मैम जी, क्या कहते हैं उपद्रवी है, पर्चे दर्ज करो, अगर हम अपनी आवाज उठाते हैं उपद्रवी का संज्ञा दी जाती है मैम जी, हमने हाथ जोड़ा हाँ, हम दकती ना दाम लड़ाई झगड़ा चाहते, हम किसान मजदूर आदमी हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए हम भी ये चाहो हमारे बच्चे पढ़ लिख के, जैसे आप सीट पर बैठी हो ना मैम जी, हमारे बच्चे भी ऐसे सीट पर बैठ जाए, ठीक है। दूसरी बात यह है मैम जी, हम जब भी आपसे मिले ना, हमेशा मैं दोबारा से आपको सलूट करता हूँ, आपने हमारी बात सुनी है, कई बार हमने ऐसा देखा है ऐसे भी अधिकारी आए हैं, हमें बाहर नीचे नारे लाने पड़े हैं, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हो मैम। आप लोगों की सफाई का था जी मैम, वो कोई एक ही नहीं हुई, नहीं, 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 नहीं मैम कुछ नहीं हुआ, सफाई भी नहीं हुई, नहीं जी गड्डी मन रही है सर, वो परली ब्रांच है जी, वो अलग से हुआ है मैम, वो दाना है मैम। बताया था कि 33 किलोमीटर पीछे से शायद आप लोगों का पानी आ रहा है, तो वहाँ पे पंपिंग स्टेशन लगाने की बात थी, जो वो कह रहे थे कि अधिकारी से बात करके SES रैंक से फिर आपको बताएं, उसके बाद आप लोग मिले हैं उस डिपार्टमेंट से, क्या जवाब आया? वो उनका ये जवाब आया है जी, भाई हमने वहाँ भेजते हैं ना, वो जो चंडीगढ़ भेजा है ना भाई, वहाँ से जो सेंक्शन हो ये टेंडर है, नहीं आप कह रहे थे कि मैडम 23 से स्टार्ट करा देंगे सफाई, हाँ ओके, आज आ जाएगा इनका पानी कंफर्म, ये हम लोग मेरे पास बैठे हैं, दोबारा शिकायत तो नहीं आएगी, ठीक है। ये आपसे ना दो लोग मिल भी लेंगे और पानी, ठीक है मैम जी, कागजा में नहर चली हुई है 2-3 और करें कि आज शाम को आपको पानी मिल जाएगा, ठीक है, ये कह रही, मैं अभी विजिट भी कर रहा हूँ वहीं पे, अगर आपको पानी नहीं मिलता है तो एक बार मेरे को बता दीजिए, ठीक है। एक बात और बताऊँ मैडम, हम जितनी बात कहेंगे ना जी, हम कहते आत्मा से और सच्चाई कहेंगे जी, ये आप विश्वास मान के चलना है इस बात का,
एस टी ओ साहब को भी एक्शन साहब से भी और एस सी साहब उस दिन वो कोई चंडीगढ़ से आ रहा था वो वहाँ चले रहे थे, उनसे मौखिक तौर पर दफ्तर में मिले हैं और उन्होंने कहा भाई आपका फल पानी देने हमें अब की बार है। एक्शन साहब ने बल्कि धार्मिक उस पर भी एक आत्मा से कहा था भाई इसमें दिक्कत नहीं आओगी आपने, एक भी गार्ड है हिमांशु जी है जी अरे हम उसने हमारा कोई व्यक्तिगत उसके लिए वो नहीं जी, कोई ऐसा पता नहीं है जी वो जी कहाँ है, कहाँ उनके गार्ड है जी, हम खुद जाते हैं जिला ठेले के माँ भाई कुछ उठवा उठवा ना लगा रहा है हम हटवाते हैं जी उन्हें, तो ये तो देखने वाली चीज है जी। अगर जा कल भी जो ये पानी नहीं रहे ना जी तो आपने कह देना वो के कह जा था। नहीं हम इसमें नहीं बात करें, देखो चीजें है कि सॉल्यूशन होना चाहिए ना, मेरे को आपको फांसी टांगना है ना आप लोगों से कुछ कराना है, ठीक है। एक्शन साहब वो एस जी साहब अभी जाएंगे, शाम तक आपको पानी नहीं मिलता तो एक बार मेरे को बताया। परिषद गुरुकुल मटिंडू चौधरी पीरू सिंह जी संस्थापक गुरुकुल मटिंडू दिव्यदर्शी शिक्षा विशाल परोपकारी एवं सर्वोत्तम वक्ता की पुण्यतिथि के अवसर पर एवं गुरुकुल स्थापना दिवस पर उनके सम्मान में श्रद्धांजलि हवन का आयोजन दिनांक 20 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार समय प्रातः 10 बजे स्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुरुकुल मटिंडू। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार शिक्षा टेक्नोलॉजी खेल स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर डॉक्टर लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत NCR का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक OT से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल विवेकानंद चौक सोनीपत। AP गर्ल पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट TV, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफर नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।